भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजाम हुसैन का शुक्रवार को जिला अध्यक्ष मुनीर खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार टनकपुर मनियारगोड़ में फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे बाजी करते हुए अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष श्री हुसैन का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने मनियारगोड़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मुसलमानों को मिला है, अन्य पार्टियों ने मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा है। उन्होंने सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण नीति को सराहना भी की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के लोगों को बिना भेदभाव के साथ लेकर चलती है। आज केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार में प्रदेश और धामी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को बेहतरी के लिए काम कर रही है। अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने सबसे ज़्यादा योजनाएं लागू की हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम सभी अपने समाज के लोगों को इन योजनाओं की जानकारी दें और इनका लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा, विरोधी दल अल्पसंख्यकों को गुमराह करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, भाजपा इन्हीं रणनीति को खारिज करने में रहती है। आपको बता दें, उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास नारा देकर सबकी भलाई के लिए आगे लाई है भाजपा। विपक्षी दलों ने साजिश के तहत भाजपा के खिलाफ मुसलमानों को बरगला रखा है। ऐसे में हम मुसलमानों को बताएंगे कि भाजपा मुसलमानों के हितों की रक्षा करने का काम करती है, भाजपा मुसलमानों के लिए समर्पित रहती है। आपको बता दें, इस मौके पर जिला अध्यक्ष मुनीर खान, पूर्व जिला अध्यक्ष अमजद हुसैन, जिला प्रभारी मुस्तकीम 15 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष तारिक मलिक, सोशल मीडिया प्रभारी रिजवान हुसैन, मंडल अध्यक्ष बनबसा शब्बीर अहमद, मंडल अध्यक्ष टनकपुर शाहिद अली, जिला उपाध्यक्ष नज़ीर हुसैन, नसीब हुसैन, जिला मंत्री समीर अहमद, कादिर अली, मुबशिर गोलू, तनवीर हुसैन, मोहम्मद नज़ीर, नसरुद्दीन सावेज, शादाब उस्मान अली, अमीर अली साहेब, सलमान मुर्तजा, जावेद नाजिम, बाजिद अली सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, सूबे में भाजपा की लगातार दूसरी बार सरकार बनी है और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में दूसरी बार सरकार बनने के बाद आप पहली बार आपका आगमन हुआ है यहाँ पे, तो क्या कहना है इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर काम कर रही है। पिछले 6 महीने आपने देखा पुष्कर सिंह धामी जी ने किस प्रकार प्रदेश के अंदर चहुंमुखी विकास की ओर आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने रोजगार के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम किया, विकास कार्य किए, ये निरंतर प्रदेश के अंदर देखा। और उसके बाद जो प्रदेश के अंदर जो प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार बनी, हमारे विधायक जीत करके आए, ये वास्तव में गौरव है कि प्रदेश की जनता किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को किस तरीके से पसंद करती है, और उस विचारधारा के साथ साथ जो विकास कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए, इसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता में आई है और प्रचंड बहुमत के साथ आई है। आने वाला जो भविष्य है 2024 का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी, ऐसा हमारा सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ सब मीटिंग बैठक हुई थी, उन सब में हमने सबसे निवेदन किया है। प्रदेश नेतृत्व का